मथुरा में गोवर्धन थाना इलाके के सौंख में बदमाशों के आगे प्रशासन भी बोना नजर आ रहा है। यहां दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद भी आज तक कोई भी अधिकारी जमीन से कब्जा नहीं हटवा सका। मामला सौंख के नंगला खारी का है, जहां गांव के ही कुछ दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से गांव के मेन रास्तों पर गंदा पानी भरा हुआ है। ग्रामीण गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरने को मजबूर हैं। गांव निवासी प्रदीप कुंतल ने पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने दबंगों से मिलकर जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रदीप ने बताया कि हाल ही में जो नए पटवारी नियुक्त किए गए हैं, वो फोन तक उठाने की हिमाकत नहीं करते हैं। ग्रामीणों ने गोवर्धन SDM से लेकर DM तक कई बार लिखित में शिकायती पत्र दिया गया, जिसके बाद SDM गांव तक आए, मगर वो भी खानापूर्ति कर चले गए। उन्होंने भी कब्जा नहीं हटवाया। ये समस्या है हमारे जो गांव नगला खारी के लिए, जो मेन रास्ता है नाले के लिए और लोरिया के लिए जो आम रास्ता है, उस पर दबंगों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। ये बाटगा है, ग्राम बाटगा है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। और वो कुछ दबंग लोग हैं, कई बार SDM साहब को, DM साहब को कई बार एप्लीकेशन भी दे दिया है, ज्ञापन भी उनके लिए, लेकिन कई बार आए यहाँ पे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिर दोबारा लौटेगी ना कब्जा, मुक्त ही ना हो। और जो हमारे जो पहले पटवारी थे खेम सिंह, उन्होंने तो बिल्कुल इसका ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ही इस पे घेराव करवाया है, उन्हीं का आते सबसे ज्यादा। रास्ते की समस्या है, रास्ता नहीं है। आपने आगे प्रशासन को अवगत कराया था? कई बार ज्ञापन दे चुके हैं DM SDM के पास, SDM साहब आ भी गए यहाँ पर। क्या आश्वासन दिया था? कुछ नहीं, माने कब्जा मुक्त हो जाएगा, अभी तक कोई कब्जा मुक्त नहीं हुआ है। वहीं गांव निवासी राजू सिंह ने बताया कि दबंगों ने रास्ते पर कब्जा कर रखा है, जिसके कारण गांव का गंदा पानी आम रास्तों में भरा पड़ा है। गांव के महिला पुरुष और छात्रों को इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और गंदे पानी की वजह से मच्छर पैदा हो रहे हैं।